फ्रेंड्स, मैं बर्नाली, वेलकम टू बर्नालीज किचन। आज आपके सामने बनाने जा रही हूँ मिक्स चीजी मोगलाई पराठा। चलिए इसके लिए क्या क्या लग रहा है दिखा देते हैं। लग रहा है मैदा यहाँ पे 300 ग्राम है। लग रहा है सब्जी आप जैसे मर्जी चाहे सब्जी ले सकते हैं। मैं तो यहाँ पे शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम, प्याज और टमाटर ली हूँ। और लग रहा है यहाँ पे स्वीट कॉर्न, पनीर, एक अंडा, नमक, चीनी, दही और लगेगा चीज। मैंने 2 क्यूब लिया है। और लग रहा है ऑयल और मसाला में लगेगा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। और ये वाला एक स्पेशल मसाला है जो मैंने मोगलाई में यूज किया था। तो आप लोगों को मोगलाई की जो रेसिपी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ये वाला डो बनाऊंगी, डो के लिए लगेगा नमक, तो मैं यहाँ पे नमक दे रही हूँ और दूंगी चीनी और दे दूंगी दही और दे दूंगी ऑयल। इससे अच्छे से मैं मिलाऊंगी, 2-3 मिनट तक मिलाऊंगी, फिर पानी देके एक सॉफ्ट डो रेडी करूंगी। देख लीजिए मेरा डो अच्छे से रेडी हो गया है, ये बहुत सॉफ्ट हुआ है। मैं इसको ढक के रख दूंगी 30 मिनट तक। अभी मैं ये सब सब्जियां रेडी करूंगी। तो मैं पहले खाली पैन बैठा दिया हूँ, अभी इसमें थोड़ा सा ऑयल दे दूंगी और सब्जियां को अच्छे से फ्राई करूंगी, ऑयल को होने दूंगी। अभी हम इस सब्जियां को फ्राई करेंगे। ये वाला जो सब्जियां का अच्छे से रेडी हो चुका है, मैं इसको अभी उतार दूंगी। सब्जी अच्छे से नरम हो गया है, मैं इसको उतार दूंगी। 30 मिनट हो चुका है और मैदा को मैं ऐसे पीसेस में ले रही हूँ। और अभी मैं इसको अच्छे से पतले से बेल लूंगी ऑयल लगा के, और दिखाती हूँ बेलने के बाद। जी ये बहुत अच्छे से पतले से बेल लिए है और ये बहुत छोटा भी नहीं है, बड़ा है, लंबा जैसा है, तो देख लीजिए। और दूसरी तरफ ये जो मसाला है उसके साथ अंडा मिलाएंगे, अच्छे से मिला लेंगे ये वाला अंडा के साथ। रोटी तो अच्छे से बन के रेडी है, अभी इस मसाला को दे देंगे जो अंडे से मैंने बनाया था वो मसाला, और इसको फैला लेंगे। भी दे देंगे जो सब्जियां था वो सब्जियां सारे। देख लीजिए सब्जियां जो मसाला था दे दिए है। लेंगे चीज को मैं ऐसे दे दूंगी। अच्छे से दे दूंगी चीज। अभी देख लीजिए चीज अच्छे से दे दिए है, और अभी इसको फोल्ड कर लेंगे। जैसा मुगलाई में दिया जाता है वैसा ही फोल्ड, चारों ओर से इसको ढक देंगे, इसमें से कोई भी मसाला निकाल ना जाए इसीलिए। देख लीजिए बहुत बढ़िया से, ये वाला पूरा बंद हो गया है। पैन में मैंने ऑयल दे दिया है, अभी ये वाला पराठा दे देंगे।
पराठा को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पहले एक पीठ होगा, फिर दूसरा पीठ उलट देंगे। देख लीजिए इसको उलट दिए हैं और एक पीठ हो, एक साइड हो रहा है, दूसरी साइड हो रहा है। ये पराठा मेरा रेडी हो चुका है, मैं इसको कटिंग करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये वाला बहुत चीज़ी हुआ है और अभी बहुत गर्म है, तो इसको गरम गरम ही आप लोग सर्व कीजिएगा। देख लीजिए बहुत अच्छे से बन के रेडी हो चुका है और इसका देख लीजिए अच्छे से मेल्ट हो गया है चीज़। बहुत टेस्टी लगेगा खाने में, देख के ही पता चल रहा है। देख लीजिए आप लोग अच्छे से, और आप लोग भी घर में इसको अच्छे से ट्राई कीजिएगा। देखिए मेरा ये वाला रेसिपी तो रेडी हो चुका है, तो आप लोगों को अगर मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ खा के कैसे बना है मेरा जो ये वाला चीज़ी। सुपर बना है, बहुत अच्छा बना है। आप लोग जरूर इसको घर में ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।